हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, अमी एंड मीरा लव स्टोरी के प्रेस मैम में आप लोगों ने देखा था कि अमी जो होती है वो मीरा को किस कर देती है, और मीरा को भी यकीन ही नहीं होता। और किस करने के बाद अमी जो होती है रूम से बाहर चल जाती है, और मीरा जो होती है खुद को चुनटी काटती है, अपने लिप्स पे हाथ रखती है। कितनी सच था क्या? शिट शिट शिट, क्या ये सच था? उसमें मुझे सच में किसके हाथ है? और मीरा जो होती है बस उसे यकीन ही नहीं आ रहा था, और वो खुद को चुनटी काट के यकीन जाती है कि शिट शिट शिट, ये सच था, सच था, वाह 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 वाह, अपनी ने मुझे किस किया, उसने मुझे खुद से किस किया, वो भी इतनी देर, हाय, ऐसे कह के दिल पे हाथ रख के वहीं बेड पे लेट जाती है। और तभी कहती है, ओ शिट, अभी लड़की गई कहाँ? तो अमनी, सॉरी, मीरा ऐसे उठ के भागती है अमनी के पीछे, और देखते तो कि अमनी बाहर बैठी है, रो रही है। तो मीरा उसे कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो, रो क्यों रही हो? तो अमनी कहती, तुम मेरे पास क्यों करने आई हो? हाँ, जाओ उसे छिपकल के पास, जाओ करो उसे किस, मेरे पास क्या आई हो तुम? तो मीरा कहती, हाय, मेरी किस तो हो गई ना। अमनी कहती, तुम्हें तो उसके किस चाहिए थे ना, तुम्हें तो वो हॉट और सेक्सी लगती है, तो मेरे पास क्या करने आ रही होती हो? हाँ, उसी के पास जाओ। तो मीरा जो होती है अमनी को चुप कराने लग जाती है, कहती, नहीं, वो बात नहीं है। तो अमनी कहती, क्या है वो बात है? मुझे पता है तुम्हें वो छिपकली अच्छी लगती है ना, जाओ छिपकली के पास, मेरे पास क्या कर रही हो? तो अमनी ऐसे उठ के जाने लगते हैं, तो मीरा उसका हाथ पकड़ती है और कमर में हाथ डालती है, और कहती है कि ऐसे कपल तो हम दोनों का भी बहुत हॉट और सेक्सी लगेगा, यू नो ना, हमारा कपल अच्छा है, तभी तो उन लोगों ने हमें रूम में बंद कर लिया था। हम तो अमनी ऐसे थप्पड़ मारने लग जाती है, कहती, मेरे साथ क्यों कपल बनाना है तुम्हें? तुम्हें तो वो छिपकली पसंद है ना, तो उसी के पास जाओ, उसी के साथ कपल बनाओ। तो मीरा कहती, अरे नहीं, हम दोनों की केमिस्ट्री ज़्यादा बेस्ट है, और यार मैं सोच रही हूँ, जब उन लोगों ने हमें रूम में बंद कर ही दिया था, तो हमने उस मौके का फ़ायदा क्यों नहीं उठाया यार? तो वो अमनी कहती, तुम्हें फ़ायदा उठाना है ना, चाहो उसी छिपकली के साथ उठाओ, वैसे भी तुम्हें वो पसंद है ना, मैं थोड़ी पसंद हूँ। तुम कितनी गंदी हो यार, मेरे पास हो कि तुम उसे कैसे लाइक कर सकती हो, मेरी सेंटू की तरफ कैसे कर सकती हो? मैं तुम्हें दोस्त हूँ ना, कितने टाइम से तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती, वो क्यों अच्छी लगती है तुम्हें? हाँ बताओ मुझमें क्या कमी है? तो मीरा कहती, अरे मेरी जान, तुम्हें कोई कमी नहीं है, अरे वो तो तुम्हारे सामने छिपकली है, छिपकली, और तुम ठहरी परी, हाय, तो बताओ छिपकली अच्छी लगेगी या परी? ऑफकोर्स परी अच्छी लगेगी ना, मुझे तो मेरी क्यूट सी परी पसंद है। तो उन्होंने ऐसे मीरा को धक्का देते, कहते, झूठ मत बोलो, तुमने मुझे बोला था तुम्हें वो पसंद है, तुम्हें मैं क्यों नहीं पसंद है, क्या कमी है मुझे, तुम्हें वो क्यों पसंद है? तो मीरा कहती, अरे मेरी जान, मैं तो तुम्हें लाइक करती हूँ ना, तुम मुझे पसंद हो, और वो भी बहुत 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 ज़्यादा पसंद हो तुम मुझे, और वैसे भी वो कहाँ, तुम कहाँ, तुम तो मेरी परी हो, तुम तो मेरी दिल की शहजादी हो, मेरी क्वीन हो यार तुम, और वैसे भी मैं तो तुम्हें लाइक करती हूँ ना, बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ, वो भी बचपन से लाइक करती हूँ, बहुत से ज़्यादा लाइक करती हूँ यार तुम्हें। तो मीरा जो होती है ऐसे सब कुछ अमनी को बोल देती है, तो अमनी जो होती है वो कुछ देर ऐसे ही खड़ी रहती है, कुछ रिस्पॉन्स नहीं देती। तो मीरा जो होती है वो ऐसे सर पे हाथ रखती है, कहती है, शिट शिट शिट, क्या मैंने इसे सब बता दिया? मीरा क्या सोचती है तुझे, इतनी जल्दी बकवास करेगी, क्या सोचेगी मेरे बारे में? मीरा ऐसे खुद को कोस रही होती है कि तभी अमनी जो होती है वो मीरा को हक कर लेती है। तो मीरा उसके दोनों हाथ ऐसे नीचे होते हैं, वो हैरान खड़ी होती है कि ये हो क्या रहा है। तो हमने कहती, तुम मुझे लाइक करते हो ना, बस मुझे लाइक करो, क्योंकि तुम मेरी हो, ठीक है ना, तुम्हें लाइक करना है मुझे करो, तुम्हें लड़ाई करनी है मेरे साथ करो, तुम्हें ब्याह करना है मेरे साथ करो, सब मेरे साथ करो, किसी और की तरफ देखना भी नहीं है तुमने, समझी? तो मीरा जो होती है वो स्माइल करती है, फिर अपनी वो टाइटली हक कर लेती है और कहती, अच्छा तो आओ चलो फिर। तो उन्होंने कहती, कहाँ? मीरा कहती, आओ ना रूम में चलते हैं। तो उन्होंने कहती, जी कितनी गंदी हो तुम, मैंने बात करी तुम्हारे साथ? तो मीरा हंसने लग जाती है और कहती, अच्छा हक तो दे दो। तो उन्हें भी मीरा को हक कर लेती है। तो मीरा कहती है, अच्छा सुनो, तुम ये जेलस क्यों हो रहा था, मैं उसके साथ जो मर्जी करूँ, वैसे भी तुम थोड़ी लाइक करती हो मुझे, वो तो सिर्फ मैं ही हूँ, मैं ही तुम्हें लाइक करती हूँ, तुम थोड़ी करती हो। तो अपनी बोलती है, किसने कहा मैं तुम्हें लाइक नहीं करती, मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ, ठीक है ना, बहुत 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 ज़्यादा लाइक करती हूँ, तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, इसलिए मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार भी करती हूँ, तुम सिर्फ मेरे साथ जो भी करना है सिर्फ मेरे साथ करो, ठीक है, किसी और की तरफ देखना भी नहीं है। तो मीरा कहती, ओहो, तुम तो दोस्त वाला प्यार करती हो ना, मैं तुम्हें दोस्त वाला प्यार नहीं करती ना, मेरा प्यार और है, कपल वाला, और वैसे भी तुम्हें तो गर्ल्स पसंद ही नहीं है। तो हमने कहती, तुम्हें किसने बोला मुझे नहीं पसंद? हाँ वैसे ठीक है, मुझे गर्ल्स नहीं पसंद, लेकिन मुझे तुम तो पसंद हो ना, तो तुम बस तो तुम सिर्फ मेरी तरफ देखा करो, और किसी की तरफ देखा करो तो मेरी आँखें निकाल लूँगी। तो मीरा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, वैसे देख रही होती है अमनी की तरफ और कहती है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें हो क्या गया है? आई मीन आई थिंक तुम सिर्फ जेलस फील कर रही हो, इसलिए तुम ऐसा कर रही हो, वरना तुम मुझे कहाँ लाइक करती हो? तो अमनी बोलती, नहीं मैं सच में तुम्हें लाइक करती हूँ, सच में बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ, तुम क्या मसला है, क्यों नहीं मान रही कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ? मीरा कहती, अच्छा अगर मुझे लाइक करती हो तो फिर किस करो मुझे? अमनी कहती, क्या, क्यों, किस क्यों करूँ?
फिर वो कहती हाँ लाइक करते हो तो किस करो ना, अगर हम किसी को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं तो मुझे किस करते हैं ना, दिखा तो मुझे किस नहीं करे, इसका मतलब तो मुझे लाइक ही नहीं करती, मुझे पता था मैं जा रही हूँ उसी के पास। तो मीरा ऐसे कह के जाने लगते हैं, तो हमने मीरा का हाथ पकड़ दिया, उसे अपनी तरफ खींच के उसके लिप्स पे किस करने लग जाती है, तो वो ऐसे ही किस करके पीछे हो जाती है और फिर ऐसे अपने बाल साइड पर करती है, कहती कर ली किस, इसका मतलब अब तो मान रहे ना कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, अब नहीं जाना उसके पास। तो मीरा जो होती है वो हंसने लग जाती है, कहती तुम ना बच्ची हो, मैं मजाक कर रही थी, अगर तुम मुझे किस ना भी करती ना मैं तब भी उसके पास नहीं जाती। तो मीरा ऐसे करके हंसने लग जाती है, तो अपनी जो होती है मीरा को ऐसे थप्पड़ मारती है, कहती बहुत गंदी हो, बहुत गंदी हो, बहुत गंदी हो तुम, क्यों इतना तंग करती हो मुझे। मेरे को तो ले मिलो बच्चा, ऐसे ऐसे कौन होते हैं हाँ, अच्छा अच्छा चुप 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 चुप। तो ऐसे करके अपने को हक कर लेती हैं, और जब वो अपने को टाइटली हक करती है तो अपने मुझे टाइटली हक करके खड़ी होती है, और ऐसे रो भी रही होती है। तो मेरे को कहती अच्छा ना अब तो रोना बंद करो। तो हमने कहती अब तो तुम नहीं जाओगे ना उसके पास, तो मेरे कहते अरे पागल हो तुम, मैं क्यों जाऊँगी उसके पास, मैं नहीं जा रही। अच्छा अच्छा चलो ना आ जाओ पार्टी है, थोड़ा इंजॉय करते हैं। हमने कहती पार्टी की बच्ची, मेरा सारा मूड स्पॉइल करके कहती हूँ पार्टी करते हैं, मुझे नहीं पार्टी करनी, मुझे बस वापस तुम छोड़ो, मुझे सोना है। मेरा कहती क्या इतनी जल्दी तुम्हें सोना है, देखो बाबू अभी तो इतनी सारी रात पड़ी है ना, अभी तो हम इतनी मस्ती करेंगे, पार्टी वार्टी ये फिर मजे करेंगे ना। तो हमने कहती नहीं अब मेरा मूड बहुत ख़राब है, मुझे कोई पार्टी नहीं करनी। मीरा कहती अच्छा ना चलो 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 प्लीज प्लीज प्लीज। तो मीरा ऐसे ज़बरदस्ती हमने का हाथ पकड़ के अंदर लेके जाती है जहाँ से पार्टी कर रहे होते हैं। तो मीरा हमने को कहती अच्छा मूड तो ठीक करो, क्या यार पार्टी में मुँह फुला के खड़ी हो। तो हमने कहती सब आपकी देन है, आपने मेरा मूड ख़राब किया, आप सुन ना लेना मेरे मुँह से सुथरी वाली। तो मीरा कहती अच्छा ना अच्छा चलो आओ डांस करते हैं। तो मीरा जो थी वो ना में हाथ डाल के उसे बहुत ज़ोर से अपनी तरफ खींचती है, इतने फोर्सली खींचती है कि अम्मी की फुल बॉडी जो होती है मीरा की बॉडी के साथ टच होती है। जब उसकी इतनी करीब होती है तो अम्मी को कुछ फील हो रहा होता है, मतलब उसका दिल ही नहीं कर रहा होता मीरा से दूर जाने को, तो वो भी मीरा को ऐसे हक कर लेती है। तो मीरा कहती क्या हुआ, अम्मी कहती कुछ नहीं। तो मीरा कहती डांस करें, अम्मी कहती तो ऐसे उसको हक करके खड़ी होते हुए दोनों ऐसे स्लोली स्लोली डांस कर रहे होते हैं। तो मीरा फिर ऐसे अम्मी को कुछ से दूर करती है और ऐसे अपनी तरफ खींच के फिर उसे घुमाने लग जाती है, और घुमा के उसे जैसे ही नीचे करती है तो अम्मी मीरा की तरफ देख रही होती है, उसकी लिप्स की तरफ देख रही होती है, और मीरा भी अम्मी की लिप्स की तरफ देख रही होती है, और मीरा जो होती है वो थोड़े नीचे हो रही होती है अम्मी को किस करने के लिए, लेकिन फिर वो ऊपर हो जाती है देखते कि सब हैं, तो ऊपर हो जाती है किस नहीं करती। तो अम्मी को तब अम्मी का दिल खुल रहा होता है कि मीरा उसे किस करे, लेकिन जब मीरा उसे किस नहीं करती तो अम्मी सैड हो जाती है कि जिसने मुझे किस क्यों नहीं किया। तो सैड हो के साइड पे खड़े हो जाते हैं, मीरा कहती क्या हो गया आप, क्यों तुम्हारा मूड ख़राब है, अब मैंने क्या कर दिया। अम्मी कहती तुमने मुझे किस क्यों नहीं किया, मीरा कहती क्या मैं तुम्हें किस करती। अम्मी बोलती हाँ क्यों नहीं कर सकती तुम मुझे किस, तुमने बोला था ना तुम मुझे लाइक करती हो, और तुमने ये भी बोला था जो लाइक करता है वो किस करता है, तो तुमने मुझे किस नहीं किस का मतलब तुम मुझे लाइक नहीं करती, तुम उसी चिपकली को लाइक करती हो। तो मीरा कहती अरे मेरी जान किस करने से कहाँ साबित होता है कि हम किसी को प्यार करते हो, तो मैं ऐसे ही तुम्हें तंग कर रही थी। और जहाँ तक बात है किस करने की, तो मन तो मीरा भी बहुत कह रहा है किस करने का, लेकिन मैंने बहुत कंट्रोल किया क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग हैं, लेकिन अगर आप चाहो तो मैं किस कर सकती हूँ सबके सामने, मुझे कोई इशू नहीं है। तो हमने कहती क्या सबके सामने, नहीं 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 मुझे कोई किस नहीं चाहिए। तो हमने ऐसे क्या के साइड पर हो जाती है। तो मीरा कहती ये मीरा इतनी कन्फ्यूज लड़की क्यों हो तुम, कभी कहती हो किस करो, कभी कहती हो किस ना करो, अरे चाहती क्या हूँ। और मैं कहती कुछ नहीं चाहती, मैं बस इतना चाहती हूँ कि घर चलो, मैं बहुत बोर हो रही हूँ। तो मीरा कहती अरे लेकिन हमने तो पार्टी से इसे इंजॉय भी नहीं की। अपनी कहती बस हो गया ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा प्लीज़। तो मीरा कहती अच्छा ठीक है। तो मीरा जो होती है अपने का हाथ पकड़ती है, और दोनों जो होते हैं गाड़ी की तरफ जा रहे होते हैं, तभी वो पीछे से वो जो लड़की होती है जिसे मीरा लाइन मारी थी वो आ जाती है, और वो कहते हैं कि एक्सक्यूज़ मी। तो मीरा टर्न लेती है और देखते कि वह लड़की है। तो मीरा कहते यस, तो कहते हैं कि आई थिंक आप ये अपना अंदर भूल गई थी। तो मीरा कहते हैं नहीं ये मेरा नहीं है। तो कहती अच्छा आपका नहीं है, चलिए कोई नहीं अब आप रख लें अगर मैं ले आई हूँ तो। मीरा कहते हैं आई एम सॉरी बट मैं कैसे ले सकती हूँ, ये मेरा है ही नहीं। तो अम्मी जो होती है वो देख रही होती है, वो समझ रही होती है कि वो जानबूझ के बात करने के बहाने ढूंढ रही है। तो अम्मी फ़ौरन से मीरा और उस लड़की के बीच में आके खड़ी हो जाती है, कहती जब ये कह रहे हैं ये इसका नहीं है तो आप क्यों ज़बरदस्ती दे रही हो, और हाँ ये मेरी गर्लफ्रेंड है सो इससे तो दूर ही रहो समझी। तो कहती अरे लेकिन मैं तो ये देने आई थी सिर्फ। अम्मी कहती मैं सब समझ रही हूँ, तुम जैसे लड़के हो कि ना बहाने होते हैं और इससे दूर रहो।
तो वो ऐसे मीरा का हाथ पकड़ के उसे कहती चलो अब यहीं खड़े रहना तुमने। तो ऐसे फुल मतलब हक चला आखिर उसे गाड़ी में बिठाती है और खुद भी मतलब बैठ जाती है। तो मीरा ऐसे अम्मी को देख रही होती है, अम्मी बहुत गुस्से में बैठी होती है। तो मीरा ड्राइवर को कहती है कि चलो भैया, और वो अम्मी एक तरफ देखती है कि अम्मी फुल गुस्से में बैठी है, कहती बाप रे बाप यहाँ तो माहौल बहुत गर्म है, मीरा क्या करें, इसे बुलाएं या नहीं 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 किसी महान इंसान ने कहा है जलती हुई आग में हाथ नहीं डालना चाहिए वरना खुद का हाथ जल जाएगा, लेकिन क्या करूँ इसे ऐसे चुप भी तो बैठे नहीं देख सकती। तो मीरा ऐसे कहते हुए देख के आती है कि आनी मेरी बेबी, तो हमने कहती मुँह बंद रखो, बेबी की बच्ची, बेबी तो तुम्हारी वो लगती थी ना जिसके साथ इतनी चिपक के खड़ी थी तुम, नहीं तुम्हारी मामे की बेटी लगती है जो उसके साथ इतनी चिपक के खड़ी थी। तो मीरा कहती अरे बेबी मैं थोड़ी गई थी उसके पास, आपने देखा था ना वो खुद आई थी, और एक कलर समझो ऐसी बात नहीं है, वो तो जस्ट मुझे वो कार्ड दे रही थी ना। तो मीरा कहती है कि बस, और उसे लगा मेरा होगा इसलिए वो दे रही थी। अम्मी कहती जब तुमने बोला तुम्हारा नहीं है फिर क्यों ज़बरदस्ती करती, रख लो रख लो, देखो मैं सब समझती हूँ, मैं ऐसी लड़कियों से ना दूर रहा करो। तो मीरा कहती अच्छा उससे दूर हूँ तो फिर किसके पास हूँ, हाँ आपके पास हूँ, चलो आपके पास आ जाती हूँ। हाँ तो मीरा कह के अम्मी के करीब आने की कोशिश करते हैं, तो अम्मी उसे पीछे की तरफ पुश करती है, कहती खबरदार मेरे करीब आए तो दूर रहो मुझसे। तो मीरा कहती अच्छा देख लो, अब आप मेरी इकलौती गर्लफ्रेंड हो, आपके करीब नहीं आऊँगी तो किसके करीब जाऊँगी। तो अम्मी कहती कि क्या गर्लफ्रेंड, वो भी मैं तुम्हारी, ये कब हुआ। मीरा कहती अच्छा जी कब हुआ, हाँ गर्लफ्रेंड कहती हो और फिर भूल भी जाती हो। अम्मी कहती मैंने कब कहा तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। तो मीरा कहती अच्छा चलो याद करो उस लड़की को तुमने क्या बोल के मुझसे दूर किया था। तो अम्मी ऐसे सोचती है और फिर से याद आता कि उसने बोलता कि मेरी गर्लफ्रेंड है, तो कहती तो क्या हो गया, वो सच थोड़ी था, वो तुम्हें भी बताया वो सच थोड़ी था, वो तो बस मैं उस लड़की को तुमसे दूर रखने के लिए कर रही थी। मीरा कहती वाह आपका सही है, मतलब खुद भी मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बनना और किसी और को भी मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बनने देना, मतलब सारी ज़िंदगी मुझे सिंगल ही रखना है। तो अम्मी कहती क्यों सिंगल रखना है, आपके पापा ने आपके लिए ढूंढा है ना वो नमूना, जाओ करो उससे शादी। तो मीरा कहती प्लीज़ यार उसका नाम मत लो, मेरा मूड ख़राब हो जाता है जब भी तुम उसका नाम लेते हो। अम्मी कहती तो क्या झूठ बोला मैंने, मेरा फ्यूंसे है ना। तो मीरा कहती अरे आपको भी पता है कि मैं उसके साथ कोई इंगेजमेंट नहीं करने वाली, वो तो बस पापा ने फोर्स किया तो मैंने बोला ठीक है कर लूँगी, पर मैं नहीं करूँगी। उन्हें कहती अच्छा आज तक तुमने अपने पापा के खिलाफ स्टैंड लिया है, जो भी वो कहते हैं तुम सर हिला के कर देती हो, मुझे पता है तुम ये भी कर लोगी। तो मीरा से अम्मी का हाथ पकड़ती कहती आई प्रॉमिस मैं ये नहीं करूँगी, क्योंकि यहाँ दिल का मामला है, तुम मुझे बिल्कुल लाइक नहीं करते और मैं जिसे लाइक करती हूँ ना मैं उसके साथ ही रहूँगी, आई प्रॉमिस। तो उन्हें कहती ठीक है तो जाओ रहो उसके साथ जिसे तुम लाइक करते हो। तो मीरा से उन्हीं का हाथ अपनी तरफ खींचती है, तो हमने उसकी तरफ देख दिया। तो मीरा उसके फेस को ऐसे अपने हाथ में लेती हुई कहती है कि वही तो कर रही हूँ जिसे लाइक करती हूँ उसी के साथ ही तो रहना चाह रही हूँ और उसके साथ ही तो हूँ, एक वही है जो मेरी तरफ देखती भी नहीं है। तो वो हमने कहती है कि बस बस बहुत हो गया तुम थोड़ा दूर हो गए बैठो मुझसे। तो मीरा कहती है ठीक है भाई, खुद का मन करता है तो मेरे करीब आ जाती हो, खुद का मन करता है तो मुझे किस भी कर लेती हो, और मन नहीं करता तो दूर बैठो मुझसे, बहुत अच्छी जा रही हो तुम वैसे। तो हमने कहती बस बस ज़्यादा नहीं हो रहा तुम्हारा। तो मीरा कहती है हो तो रहा है, अरे सुनो ना मुझे ना भूख लगी है, तुम्हें भूख लगी है। मैं कहती हाँ लगी तो है। मीरा कहती ठीक है कुछ खाते हैं। तो मीरा ऐसे ड्राइवर को कहती है कि पास में जो रेस्टोरेंट आएगा ना वहाँ गाड़ी रोक लेना, बहुत भूख लगी है। तो ड्राइवर कहते हैं ओके, तो पास में रेस्टोरेंट होता है तो वो गाड़ी रोकता है, कहता है मैम आ गया। तो मीरा कहती है ओके। तो मीरा अम्मी को कहती चले, तो अम्मी कहती है तो उसके बाद मीरा जो होती है वो अम्मी के लिए गेट खोलती है और ऐसे हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन अम्मी उसके हाथ में हाथ ही नहीं देती और खुद गाड़ी से नीचे उतर आती है। तो मीरा कहती हाँ ये क्या होता है, मुझे मैंने हाथ दिया था ना तुमने पकड़ा क्यों नहीं। अम्मी कहती अभी तुम्हारा हाथ पकड़ लेते फिर सारे जिंदगी के लिए पकड़ना पड़ता इसलिए नहीं पकड़ा। मीरा कहती हाँ कितनी गंदी हो, मतलब तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती, ठीक है मैं जा रही हूँ उस लड़की के पास। तो मैंने कहती नहीं 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 मैं हाथ में हाथ दे रही हूँ ना, तुम बार बार उस लड़की की बात क्यों करती हो। तो मीरा कहती क्योंकि तभी तो मेरे करीब आती हो। अम्मी कहती तुम ना बहुत बुरी हो। मीरा कहती वो तो मैं हूँ, बाय द वे थैंक यू इतनी तारीफ करने के लिए, आज तक किसी ने नहीं की। अम्मी कहती क्योंकि बहुत कम लोग के पास डेयरिंग होती है सच बोलने की और वो मुझ में है। मीरा कहती हो गया आपका भाषण तो चले अंदर। तो अम्मी कहती हूँ, तो उसके बाद मीरा और अम्मी एक दूसरे के हाथों में हाथ डाल के रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं। तो ये लोग जो होते हैं वो रेस्टोरेंट में जाते हैं और मीरा जो होती है वो
बहुत ही प्यार से मेरे लिए चेयर पीछे कर दिया, कहती है कि बैठिए मैडम। तो अम्मी जो होती है उस चेयर को छोड़ के सामने वाली चेयर पे जाके बैठ जाती है। तो मीरा कहती है कुछ लोगों के लिए ना जितना भी कर लो लेकिन नहीं, उन्हें एटीट्यूड ही दिखाना होता है। तो मीरा ऐसे कह के खुद उस चेयर पे बैठ जाती है। तो अम्मी कहती है कि किसने कहा है मेरे लिए सब करो, मैंने बोला है, और वैसे भी हमसे दोस्त हैं समझी, सिर्फ और सिर्फ दोस्त। तो मीरा कहती अच्छा, तो बाय द वे वो कौन सी फ्रेंड्स होती हैं जो एक दूसरे को किस करती हैं अभी लिप्स पे? तो हमने कहती तो क्या हुआ, मैं करती हूँ ना, तुम ज़्यादा मत बनो ठीक है, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खिलाओगे? बस बातें सुनाती रहोगी? तो मीरा कहती हाँ ओके बाबा मंगवाती हूँ। तो उसके बाद मीरा जो होती है वो बिल्कुल ऑर्डर देती है खाने का, और अम्मी को बहुत भूख लगी होती है, वो बार बार ऐसे ही मेन्यू की तरफ देखी जा रही होती है। तो मीरा समझ आती है कि इसे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी हुई है। तो वो कहती है कि अरे सब्र करो, खाना बस अभी आ जाएगा। तो अम्मी कहती है कि तुम्हें किसे बता कि मैं खाने के बारे में सोच रही हूँ? मेरा कहती बस मुझे पता चल जाता है कि मैडम को कब क्या चाहिए और कब चाहिए। तो मेरी कहती एक तो मैडम मैडम बोलना बंद करो, मैं तुम्हारी मैडम नहीं हूँ। तो मेरा कहती ओके मैडम। तुमने कहती फिर से मैडम, अभी बोला है मैडम मत बोलो मुझे। तो तभी बेटा जो होता है खाना लेके आ जाता है, वह जैसे ही खाना रखता है ना अपनी फ़ौरन से उठा के खाने लगती है। तो मेरा कहती अरे आराम से गर्म है, भूख तुम्हारा मुँह जल जाएगा। अम्मी कहती है अभी मुँह जले या जो मर्जी जले, मेरे पेट की भूख के मारे ना मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, मुझे खाने ही है। तो मेरी कहती हाँ ठीक है ठीक है, फिर तो गर्म गर्म खाओ ताकि तुम्हारे पेट के चूहे ना जल के मर जाएँ। तो अम्मी कहती तुम्हें मजाक सोचा, मुझे सच में बहुत जोर से भूख लगी है। तो मेरी कहती हाँ हाँ भूख खाओ खाओ। तो अम्मी जो होती है वो फटाफट खाई जा रही होती है, और मेरा जो होती है ऐसे फेस पे हाथ रख के उसे बस पालों की तरह देख रही होती है, मुस्कुराई जा रही होती है। तो अम्मी कहती तुम्हें भूख लग गया तो तुम डाल के खाओ, मुझे क्यों घूर रही हो, और वैसे भी मैं तुम्हें नहीं देने वाली क्योंकि सारा मैं खाऊंगी, मुझे बहुत तेज़ से भूख लगी है। तो मेरा हंसती है कहती अच्छा जी कितने तेज से भूख लगी है बताना ज़रा, 180 की स्पीड से भूख लगी है या 220 की स्पीड से? अम्मी कहती हर बात पर मजाक करना ज़रूरी होता है, अच्छा मुझे तंग मत करो मुझे खाने दो। तो अम्मी ऐसे कहकर खाने लग जाती है। तो मेरा स्माइल कहती है और कहती है अगर आपकी इजाज़त हो तो थोड़ा सा मैं भी डाल के खा लूँ। अम्मी कहती है इतनी भी भूख नहीं हो कि मैं सारा खा जाऊँ, खाओ खाओ सारा अकेले थोड़ी खा जाना है। तो मीरा कहती जिस स्पीड से मैडम आप खा रही हो ना आप सारा खा सकती हो, मुझे पूरा भरोसा है आप पे। तो ऐसे कह के स्माइल करने लग जाती है। अम्मी कहती इस बात के जवाब ना बाद में दूंगी, अभी मुझे खाने दो। तो अम्मी ऐसे कह के खा रही होती है। तो मीरा हंसती है और थोड़ा सा अपनी प्लेट में डाल के वो भी खा रही होती है। तो जब मीरा का खाना हो जाता है तो वो कहती है अपनी को अरे बस करो, कितना खाओगी पेट में दर्द मच जाएगा तुम्हारा। अपनी कहती है अगर इसी तरह तुम मेरे निवाले गिनती रहे ना तो ज़रूर दर्द होगा, उधर मुँह करो मुझे खाने दो, डिस्टर्ब मत करो मुझे। तो मीरा कहती हाँ तुमसे लेट खाना स्टार्ट कर किया था मैंने और तुमसे पहले ख़त्म किया, तुम कितना खाती हो? अपनी कहती ये काम करना होता ना तुम मुझे ना लेके आया करो रेस्टोरेंट में, मैं खुद अकेले जाके खा लिया करूँगी, तुम्हें सुकून नहीं है, खाने नहीं देती मुझे ना सके क्या खाई जा रही होती है। तो मीरा हंसती है कहती तुम्हारा ना कुछ नहीं हो सकता। तो उसके बाद मीरा जो होती है वो जो है वेटर को बुलाती है और कहती है कि आपके पास मीठे में क्या क्या है? तो वो बोलता है मतलब बोल रहा होता है कि ये चीज़ है ये चीज़ है ये चीज़ है। तो हमने कहती ठीक है सारी ले आओ थोड़ी थोड़ी। तो वो वेटर भी घूर के देखता कहता क्या? हमने कहती हाँ जो भी डिश है सारी थोड़ी थोड़ी ले आओ। तो वो मीरा की तरफ देखता है तो मीरा स्माइल करती है कहती हाँ हाँ जो मैडम बोल रही है ले आओ, नहीं मुझे खा जाएगी। तो वो वेटर कहता है ओके मैम मैं भी लेके आता हूँ। तो उसके बाद अम्मी जो होती है वो कहती है कि मैं इतनी भूखड़ मिलूँ कि तुम्हें खा जाऊँ। तो मीरा कहती है जिस स्पीड से तुम खा रही हो ना अगर तुम्हें खाने को और कुछ नहीं मिला तुमने सच में मुझे खा देना है। तो अम्मी कहती है वेरी फनी, हंसी नहीं आई मुझे। मीरा कहती खड़ूस लोगों को हंसी कम ही आती है। तो थोड़ी देर में वेटर जो होते हैं वो बाकी मतलब मीठे में जो डिशेज मंगाए थे वो सब लेके आ जाते हैं, वो जैसे ही रखते हैं तो हमने अपनी प्लेट छोड़ के वो उठा के आइसक्रीम खाने लग जाती है फ़ौरन से। तो मीरा कहती अरे उसको तो फिनिश करो। अम्मी कहती हाँ तो क्या खा लूँगी मैं। मीरा कहती अरे खाना वेस्ट नहीं करते, पहले उसको फिनिश कर लो फिर ये खा लेना। तो अम्मी कहती तुम क्या चाहती हो, आइसक्रीम का जब जूस निकल जाए मैं तब जाके उसे खाऊँ? तो अभी आइसक्रीम ही खाऊँगी, और तुम क्यों टेंशन ले रही हो, मैं हूँ ना मैं वो भी खा लूँगी। तो आइसक्रीम खा रही होती है। तो मीरा इतना हंसती है। तो हमने कहती तुम्हें कौन से थोड़े पड़ रहे हैं, खाना तो खाओ ना मुझे तो खाने दो, मुझे डिस्टर्ब मत करो, कोई मुझे खाने की तरह डिस्टर्ब करे मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। तो मीरा कहती हाय क्या करूँ मैं इस लड़की का, मेरी भूख सी जानू। तो ऐसे दूसरे से फ्लाइंग किस करते हैं। तो अपनी इधर उधर देखते कहती तुम्हें शर्म नहीं आती, तुमने मुझे किसको की? तो मीरा कहती अच्छा जी मैं फ्लाइंग किस करूँ तो मुझे शर्म आनी चाहिए थी, और आप जो मेरे लिप्स पे किस करती रही थी इतनी देर में इज्जत लूटती रही थी उसका क्या? तो अम्मी खाते खाते ना छोड़ देती है खाना।
तो मेरी लगी थी क्या हुआ खा लो, तो हमने कही थी नहीं मुझे नहीं खाना पेट भर गया मेरा, तो मेरी लगी थी अच्छा ना बाबू सॉरी खा लो, तो हमने कही थी नहीं मुझे नहीं खाना हो गया मेरा, तो मेरी लगी थी अरे प्लीज़ ना अच्छा सॉरी ये लो कान पकड़ के प्लीज़ खा लो, उन्हें कहती बोला ना नहीं खाना मूड ख़राब हो गया मेरा मुझे घर छोड़ दो बस, तो मेरी कहती ठीक है फिर जब तक खाओगी नहीं मैं भी घर नहीं लेके जाऊँगी, अब नहीं कहती तुम्हें क्या लगता है तो मुझे घर नहीं छोड़ोगे तो मैं नहीं जा सकती मैं खुद भी जा सकती हूँ, तो उन्हें ऐसे किया कि उठ के जाने लगते हैं, तो मेरे उसका हाथ पकड़ते कहती आई एम सॉरी प्लीज़ पापू ये खा लो वरना वेस्ट हो जाएगा ना, पता है ना खाना कभी वेस्ट नहीं करते प्लीज़ खा लो मेरे लिए ना सही इसलिए खा लो कि भगवान को बिल्कुल नहीं पसंद खाना वेस्ट करे, प्लीज़ खा लो खाने का अपमान नहीं करते ना जान प्लीज़ खा लो ना, तो हमने कही थी सिर्फ इसलिए खा रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छे से पता है खाना वेस्ट नहीं करते मम्मा ने सिखाया पाप चढ़ता अगर खाना वेस्ट करो, तो सिर्फ इसलिए खा रही हो तुम्हारे कहने पे नहीं खा रही, तो मेरे हंसते थे हाँ हाँ मुझे पता है तुम तो मेरे कहने पे क्यों खाओगी जान तुम खा लो हूँ, तो हमने बैठ के फिर से खाने लग जाती है, तो मीरा स्माइल करती है वो भी थोड़ी थोड़ी चॉकलेट वाली जो आइसक्रीम होती है वो खा रही होती है, तो हमने कहती तो तुम्हारे पास कौन सा फ्लेवर है, मीरा कहती चॉकलेट क्यों, हमने कहती मेरे पास वो फ्लेवर क्यों नहीं है मुझे वो खाना है तुम मेरी खा लो, तो मीरा कहती अरे नहीं मत मैं नहीं खाती तुम ये लो मेरी खा लो, हमने कहती हाँ फिर तुम कहोगे मैंने तुम्हारी आइसक्रीम कैंसिल नो तुम मेरी खाओ मैं तुम्हारी खाऊंगी, तो मीरा कहती अरे मेरी जान जो मेरा है वो तुम्हारा ही है ना तुम खा लो, हमने कहती देख लो बाद में मुझे मत कहना कि मैंने तुम्हें आइसक्रीम नहीं खाने दी, तो मीरा कहती अरे नहीं नहीं मैं नहीं कहूँगी खा लो, तो मीरा ऐसे कह के अपनी चॉकलेट वाली आइसक्रीम उसे दे देती है, तो अम्मी वो भी खपा गप खाई जा रही होती है, तो मीरा उसको देखती है कहती है कि हो क्या आपका खाना, अम्मी कहती हाँ पेट भर के खा लिया अब वो नहीं खाया जाएगा बस है मेरी, मीरा कहती अच्छा वैसे अगर आपको रात में भूख लगेगी तो क्या खाओगी पैक करवा लूँ, हम तो हमने उसे ऐसे घूर के देखते हैं कहते मैं तुम्हें डायन लगती हूँ खा लिया मैंने पेट भर के अब नहीं खाऊंगी मैं, मेरा कहती सोच लो, हमने कहती क्या सोचना बोला ना खा लिया मैंने, तो मेरा कहती ओके, तो हमने कहती अब चले ये मुझे घूरती रहोगी, तो मेरा कहती वेट, तो मेरा जो होती है वो वेटर को बुलाती है और बिल देने लगती है, तो हमने कहती है कि क्यों हर बार तुम क्यों दो इस बार मैं दूंगी, तो मेरा कहती ओ हेलो मैं तुम्हें बाहर घुमाने के लिए लेके आई थी ना तो मैं बिल करूँगी, हमने कहती हर बार तुम देते हो इस पर मैं दूंगी, तो मीरा कहती अरे नहीं मेरी जान प्लीज़ मुझे देने दो, हमने कहती नो मैं दूंगी, तो हमने ऐसे कह के अपना कार्ड उस वेटर को दे देती है, तो वो जो होता है वो कार्ड स्वाइप करता है तो वो कहता है कि सॉरी मैम इसमें शोर है कि अमाउंट कम है, तो वो कहती क्या ऐसे कैसे हो सकता है, तो वो चेक कराता है, तो हमने कहती बिल कितना बड़ा है ज़रा बिल दिखाना मुझे, तो उन्हें जब बिल देखते हैं ना हाई उसके आगे फटी की फटी रह जाती है, कहती है कि क्या मेरी प्लेट में सोना रख के खिलाया था मुझे जो इतना बिल बन गया, हाँ ऐसे कैसे इतना बिल बन सकता है, तो वो कहता है कि मैम इतना ही बिल बना है, तो वो कहती है कि हिसाब दो ज़रा मुझे, तो मेरा हंसने लग जाती है, वो कहती अरे हिसाब क्यों दो इधर आओ वैसे भी मेरी तरफ से ट्रीट थी ना तो मैं दूंगी, तो मेरे ऐसे एक अपना कार्ड दे देती है, तो अम्मी को काफ़ी अदब शर्मिंदगी होती है, तो वो कहती है कि मैं हर बार मतलब इसका इतना ही बिल करवाती हूँगी अब मैं ज़रा लिमिट में खाऊंगी, तो अम्मी ऐसे सोच रही होती है, तो मेरा उसे कहती है कि क्या सोच रही हो, अम्मी कहती नहीं कुछ नहीं, अम्मी कहती है कि ये बिल मेरी तरफ से ही था ठीक है ना ये ट्रीट मेरी तरफ से थी मैं तुम्हें कुछ दिनों में दे दूँगी इसके पैसे जो है ना, मीरा कहती थप्पड़ ना खा लेना उसके पैसे दे दूँगी चलो चुपचाप, तो मीरा से कह के अम्मी को उठाती है और अम्मी और मीरा जो होते हैं दोनों ऐसे रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं, तो अम्मी ऐसे ही सोच रही होती है बिल के बारे में, उसे काफ़ी मतलब उसके लिए वो बड़ा शेमफुल मोमेंट था कि उसके पास पैसे कम थे, तो यही सोच रही होती है, तो मीरा जो होती है अम्मी का हाथ पकड़ती है और कहती है कि बस बहुत हो गया अब सोचना बंद करो, अम्मी कहती क्या, मीरा कहती जो भी सोच रही हो सोचना बंद करो, तो अम्मी कहती नहीं मैं कुछ नहीं सोच रही, मीरा कहती मैं अच्छे से जानती हूँ आपको मुझे पता है आप कुछ सोच रही हो और शायद ये भी जानती हूँ कि क्या सोच रही हो, तो ये मत सोचो आपको अच्छे से पता है जो मेरा वो आपका है, तो अम्मी कहती नहीं ऐसा नहीं है ये बिल मुझे देना था लेकिन मेरे पास पैसे ही कम पड़ गए, पता है कितना बुरा लग रहा था मुझे अंदर उस टाइम, तो मीरा कहती है अरे लेकिन आपको ज़रूरत क्या है मेरे पास होते हैं ना जब मैं हूँ तो आपको क्या ज़रूरत होती है बिल देने की, मैं ही पे करूँगी हर बार, तो अम्मी कहती ऐसे कैसे खाते हम दोनों हैं ना तो आप क्यों पे करोगी वैसे भी आप तो खाती नहीं हो सारा तो मैं ही खाती हूँ, तो मीरा हंसी है कहती हाँ मेरी जान तो मैं इसलिए तो कमाती हूँ कि अपनी क्यूट सी जान को पेट भर के खिला सकूँ, अगर आपको खिलाए ना पाऊँ तो मेरे कमाने का क्या फ़ायदा, तो अम्मी जो होती है फिर थोड़ा शाय फील करती है और थोड़ा शर्माते हुए अपने बाल ऐसे साइड पे करती है,
तो मेरे कहते अय हय कि शर्मा रहे हैं, हाँ मिशिल मेरी कुड़ी। तो उन्हें कहते ये तुम बात बात पर मुझे किस्मत क्या करो। तो मेरा कहते अच्छा आप कर सकती हो, ऐ करो तो प्रॉब्लम है इन्हीं। ये तो वही मिसाल होगी ना कि ताड़ा कुत्ता कुत्ता और साडा कुत्ता टॉमी। तो हमने कहती भाई तो आपने मिसाल उल्टी दिया। मेरा कहती नहीं मैंने सही दिया। तो हमने कहती ऐसा होता है कि साडा कुत्ता कुत्ता तो तुम्हारा कुत्ता टॉमी। मेरा कहती देखा मतलब तो तुम्हें पता था अच्छे से कहावत, देखा मुझे पता था कि तुम्हें पता, इसलिए तो मैंने उल्टी बोली थी कि तुम करेक्ट करो। तो हमने कहती इतनी समझदार आप है नहीं जितना मेरे सामने बन रही हैं। आपने उल्टी ही बोली थी क्योंकि आपको उल्टी ही आती थी। अब मैंने क्रैक कर दिया तो मेरे सामने ज़्यादा होशियार बनने की ज़रूरत है। आई बड़ी फन्ने खां बैठो आप गाड़ी में। तो मेरा कहती क्या यार कुत्ते की इज्जत कर देती हो तुम तो मेरी। कहती कुत्ते की इज्जत नहीं होती, कुत्ते जैसी इज्जत होती है। मतलब एक कंपनी की बॉस बन गई हो, मतलब अभी तक तुम्हें बोलना नहीं आता, ट्यूब नहीं ऐसे कह के हंसने लग जाती है। मेरी कहती अच्छा अच्छा बहुत हो गया, अब शर्म नहीं आती अपनी बॉस के इंसल्ट करी हो तुम। तो अम्मी कहती अच्छा मैं बॉस के साथ आई थी डिनर पे, मुझे तो लगा मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ आई हूँ। तो मेरा कहती अच्छा ना क्या है, एक मौका नहीं छोड़ती ना तुम मुझे तंग करने का। तो हमने कहती क्यों आप छोड़ती हो, आप भी तो मुझे इतना तंग करती हो, इतनी मुश्किल से तो मुझे एक आध मौका मिलता है वो भी छोड़ दूँ। तो मेरा कहती बहुत बुरी हो वैसे तुम। हमने कहती हाँ वो तो मैं हूँ। अच्छा आप चले लेट हो रहा है। तो मेरा कहती तो उसके बाद ये दोनों जो होते हैं गाड़ी में बैठ जाते हैं और मीरा ड्राइवर को बोलते हैं कि होटल ले चलो। वो कहता है ओके मैम। तो वो ड्राइव कर रहा होता है और मीरा जो होती है वो ऐसे बैठी होती है अपने मोबाइल में कुछ देख रही होती है। तो हमने जो होती है वो मीरा को बहुत प्यार से देख रही होती है। तो मीरा कहती है कि मुझे क्यों घूर रही हो। तो हमने कहती एक सेकेंड तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हें घूर रही हूँ। मीरा कहती बस मुझे सब पता है। तो हमने कहती कैसे, तुम जो देख नहीं रही थी, तुम तो मोबाइल में घूरी जा रही थी। मेरा कहती अरे मेरी जान मेरी नज़रें जहाँ मर्जी हो लेकिन मुझे सब पता रहता है कि आप क्या देख रही हो, क्या सोच रही हो या क्या कर रही हो। अन्य कहती ऐसे कैसे यार, तुम कोई अंतर्यामी थोड़ी हो जो तुम्हें सब पता होता है। तो मेरा कहती अरे जिसे हम इतना ज़्यादा प्यार करते हैं उसके बारे में हम पता ही ना कर पाए कि उसके दिल में क्या चल रहा है, तो ये कैसा प्यार हुआ हमारा। तो अन्य कहती क्या मतलब। मेरा कहती अरे नहीं आप अभी नहीं समझ पाओगी छोड़ो। तो हमने कहती क्या हम तो नहीं समझ पाऊँगी, मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ, मैं सब समझती हूँ। मीरा कहती अच्छा तो फिर बताओ मेरी आंखों में क्या है। तो हमने ऐसे मीरा की आंखों में देखती कहती क्या है, कुछ भी तो नहीं है। तो मीरा कहती देखा मेरी जान भी अभी अभी सब बातें नहीं समझ सकती, अभी आप बहुत छोटी हो ऐसी बातें समझने के लिए। तो हमने कहती आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे आप दादी हो। वैसे दादी और माँ कितनी एज है आपकी, अब कितनी दुनिया देख रखी है आपने। तो मीरा स्माइल करती है कहती एज तो बस आपकी एज के आजू बाजू ही है, लेकिन दुनिया आपसे कहीं ज़्यादा देख रखी है मैंने। आपसे ज़्यादा अच्छी तरह लोगों को समझती हूँ मैं, और आपको तो कुछ ज़्यादा ही अच्छी तरह समझती हूँ। तो हमने कहती कैसे समझ आती हो, मुझे खुद नहीं पता होता मुझे किस टाइम क्या चाहिए, लेकिन आपको अच्छे से पता होता है। मेरा कहती बस यही तो प्यार है, जिस दिन आपको प्यार होगा ना उस दिन आप सब समझ जाओगी। तो मेरा ऐसे बात करके स्माइल करके मोबाइल में देख रही होती है। तो हमने फिर उसको देख रही होती है बहुत प्यार से और कह रही होती कि क्या सच में मुझसे इतना प्यार करती है। तो ऐसे सोच के स्माइल कर रही होती है। तो मीरा अम्मी की तरफ देखती है, उसके बहुत करीब आ जाती है, उसके बाल साइड पर करके कहती है कि हाँ मेरी जान मैं सच में तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो हमने कहती ये चीटिंग है, अब मैंने दिल में बोला था कि बस ये बात तुम्हें कैसे पता चली। हाँ तो मीरा कहती क्योंकि मैं आपको अच्छे से जानती हूँ, मुझे पता था कि आप यही बात सोच रही होगी। ऐसे अभी भी शक है कि मैं आपसे प्यार करती हूँ या नहीं। तो हमने कहती कुछ शक नहीं है मुझे, और देखो मेरा होटल आ गया मैं जा रही हूँ। और कहते ड्राइवर गाड़ी रोक भी दो ना अब। तो वो कहते मैम गेट के सामने रोकूंगा ना। तो वो कहती नहीं तुम इधर से रोक दो मैं चली जाऊँगी यहीं से। तो मेरे ड्राइवर को बोलते बिल्कुल नहीं यहाँ नहीं रोकना, गेट के सामने रोकना है समझे। तो वो कहते ओके मैम। तो हमने कहती हाँ मैंने बोला ना रोको, और मेरा कहती मैंने बोला ना तुमने गाड़ी नहीं रोकनी। तो बेचारा ड्राइवर कन्फ्यूज हो जाता है, कहता मैम मैं चलाऊँ या रोकूँ। मेरा कहती कि मैंने बोला ना रोको, मैं तुम्हारी बॉस हूँ ना। हमने कहती ठीक है तुम बॉस हो ना, मैं फिर ड्राइव ठीक है ड्राइवर एक काम करो तुम गाड़ी चला दे रहो, मैं चलती गाड़ी से चला मंगा देती हूँ फिर ठीक है ना। वैसे भी तुम तो अपनी बॉस की सुनोगे, ये है ना आपकी बॉस मैं थोड़ी। तो ऐसे बोल के गाड़ी का गेट खोलने लगती है। तो मेरा ऐसे उसका हाथ पकड़ लेते हैं, ड्राइवर को कहती ड्राइवर प्लीज़ गाड़ी रोको। तो वो फ़ौरन से ब्रेक लगाता है। तो हमने कहती अब क्यों रुकवाई। हाँ तो मेरा कहती तुम पागल हो, ऐसे कैसे तुम जंप करने को सोच सकते हो, मुँह ना तोड़ दो तुम्हारा।
तो हमने कहती हाँ ना मैडम, आपकी गाड़ी है, आपका ड्राइवर है, मेरी बात थोड़ी चलेगी, अब मेरे कहने पे गाड़ी थोड़ी रुकेगी, तो मुझे झंपी करना पड़ेगा ना। तो मीरा ऐसे कहती है, ये लो मेरी माँ हाथ जोड़ते, मैं समझे गलती होगी, आप बॉस हो, हर जगह की बॉस आपको, ऑफिस की, यहाँ की, हर जगह की बॉस आप हो, समझी। ड्राइवर को भी कहती है, आज के बाद ये जो बोले ना वैसा करना, ठीक है, जब हम दोनों साथ हो तो मैं बॉस नहीं होंगी, ये बॉस होगी। तो वो ऐसे ड्राइवर को ऑर्डर देती है, तो ड्राइवर कहता है ओके मैम, तो हमने कहती गुड गर्ल, तो हमने ऐसे करके गाड़ी से नीचे उतर रही होती है। तो मीरा कहती ये लड़की ना कभी नहीं सुधर सकती। तो हमने जो होती है गाड़ी से नीचे उतर के वहीं खड़ी रहती है। तो मीरा फिर गाड़ी से नीचे उतरती है और कहती है कि अब क्या हुआ। तो हमने जो होती है वो मीरा को टाइटली हक कर लेती है। तो मीरा ऐसे खड़ी होती है और कहती है कि क्या हुआ। तो उन्हें ऐसे हक करके पीछे होती है और उसका वही हाथ पकड़ती है जिस पे पट्टी हुई होती है, उसके हाथ पर से किस करती है और कहती है कि अब ख्याल रखना हो कि पानी में हाथ मत डालना वरना जख्म ख़राब हो जाएगा। तो वो ऐसे उसके फेस को टच करके वहाँ से चली जाती है। तो मीरा जो होती है वो सनी को जाते हुए देखती है और स्माइल करती रहती है और अपने फेस को टच करती है। हाय, मीरा को ऐसे लगता है जैसे अभी तक वो एक ड्रीम देख रही है, क्योंकि उसे उसने सोचा भी नहीं था कि अम्मी उसकी इतनी करीब आ जाएगी, वो भी इतनी जल्दी। और फिर वो वही सोचने लग जाती है जब अम्मी ने उसे फर्स्ट टाइम किस की थी। हाय, और सोचते सोचते मीरा ऐसे अपने दिल पे हाथ रख के ऐसे स्माइल कर रही होती है। तो अम्मी जो होती है वो ज़्यादा टाइम पीछे टर्न करती है और देखती है कि मीरा ने ऐसे दिल पे हाथ रखा होता है, स्माइल कर रही होती है बहुत ज़्यादा। तो अम्मी भी स्माइल करती है, कहती पागल। और फिर अम्मी चली जाती है अपने रूम की तरफ। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। बट हाँ यार, हमेशा की तरह जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लो, कमेंट कर लो, शेयर कर लो, एंड हाँ चैनल को कर लो जल्दी से सब्सक्राइब। ओके देन गाइस, टाटा बाय बाय।